पेशावर में तो बहुत रौनक देखने में आ रही है, रुक करेंगे लाहौर का। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में इमारतों को बर्की कुमकुमों से सजा दिया गया है। मीनार पाकिस्तान पर यौम आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। मज़ीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रियाज़ अहमद से। रियाज़ अहमद, बताइएगा लाहौर में किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 78वां यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर जो है तैयारियाँ अरूज पर हैं। इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ और मेरे साथ सूबाई वज़ीर इत्तला'आत उसम अजमा बुखारी साहबा भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस किस्म की तैयारियां हैं और आज 78वां यौम आज़ादी जो है वो पंजाब हुकूमत किस तरह मना रही है। जी सलाम अलैकुम मैडम, ये बताइए किस तरह की तैयारियां हैं जो 78वां यौम आज़ादी है? जी बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहिबा की। जी ये बहुत ख्वाहिश और उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि कुछ ना कुछ तकारीब का अहतमाम किया जाए। यौम आज़ादी के हवाले से बरकी कुमकुमे लगते हैं, लाइटिंग होती है, आतिशबाजी होती है, वो तो होती है, लेकिन कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होती जिसमें लोग इन्वॉल्व हो सकें। फिर वो आप वो एक हल्ला गुल्ला जो है सलेंसर निकालो और एक यू नो उसके साथ बच्चे जो है वो अपनी वो करने की कोशिश करते हैं। तो आज महफिल मुशायरा है और उसके बाद जो है एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का भी इंतज़ाम है जिसके अंदर हम मिली तराने गाएंगे सब मिलके और 12 बजे जो है वो अल्लाह पाक के हजूर जो है दुआ करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए, फिर हम अपने घरों को जाएँगे और सुबह जो है वो फ्लैग होस्टिंग होगी। जी ये थी सूबाई वज़ीर-ए-इत्तला'आत अजमा बुखारी साहब जी।